डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। द टॉपिक फॉर टुडे डिस्कशन इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा एसटीएलसी मॉडल होता है, उस मॉडल में हमारे पास में 6 स्टेजेस होती हैं, जिसमें हम फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग, डिज़ाइन, कोडिंग, यूनिट टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड लास्ट इज मेंटेनेंस। तो देखिए, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस आप ये कह सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रिक्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं, रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंटिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं। मींस यूज़र से हमें जो भी रिक्वायरमेंट आई, वो रिक्वायरमेंट को क्लासिफाई करना, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन शो करना कि यूज़र का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। आपको बताया गया था कि हमारे पास में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद हम मेंटेन करते हैं रिक्वायरमेंट्स को। स्टूडेंट्स, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिफाइनिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, और जो भी सर्विस के सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड की गई है। देखिए, जैसा कि इसके लिटरल नेम से ही पता चल रहा है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन एक्टिविटीज़। इसमें हमारे पास में कुछ मेन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि सबसे पहले है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। देखिए, एलिसिटेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है कि देखिए, हमारे पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में कोई डोमेन है, कोई रिक्वायरमेंट है, तो किस तरीके से आप नॉलेज को गेन करेंगे, हमारे पास में कितने वेज हैं, वो सारी बातें यहाँ पर डिफाइन की जाती हैं। इसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बाद में रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन होता है, और लास्ट में हमारा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट होता है। स्टूडेंट्स, एलिसिटेशन फर्स्ट स्टेप है, स्पेसिफिकेशन सेकंड स्टेप है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन थर्ड स्टेप है, और लास्ट में हमारे पास में रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट आता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन को। देखिए, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, इट इज़ रिलेटेड टू द वेरियस वेज यूज टू गेन नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट डोमेन एंड रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम नॉलेज को गेन करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, उस प्रोजेक्ट के डोमेन के रिगार्डिंग और उन रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग। देखिए, डोमेन स्पेसिफाई करता है कि पर्टिकुलर एरिया कौन सा है जिसमें कि हमें वो प्रोजेक्ट बनाना है। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे पास में बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कहीं पे .com लगा होता है, कहीं पे .au लगा होता है, कहीं पे .edu लगा होता है। तो ये जो दिखाती है, डोमेन दिखाते हैं। .com का मतलब ये कॉमर्शियल वेबसाइट है, बिजनेस पर्पस से ऑपरेट की गई है। .gov का मतलब होता है कि एक गवर्नमेंट साइट है। .edu का मतलब एक एजुकेशनल साइट है। तो इट मीन्स पर्टिकुलर डोमेन के बारे में अगर आपको कोई नॉलेज लेनी है, कोई रिक्वायरमेंट को गैदर करना है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। स्टूडेंट्स, द वेरियस सोर्सेस ऑफ डोमेन नॉलेज इंक्लूड कस्टमर्स, बिजनेस मैनुअल्स, द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर ऑफ द सेम टाइप स्टैंडर्ड एंड अदर स्टेक होल्डर ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग नॉलेज लेना चाहते हैं, तो इसमें हमारे पास में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, बिजनेस मैनुअल्स होती है, हमारे पास में एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हमें ये जो सॉफ्टवेयर है किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और हमारे पास में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग वर्क को परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, द टेक्निक यूज्ड फॉर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन,
रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जिसमें हमारे पास में इंटरव्यूज़ हैं, हमारे पास में ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स हैं, डेल्फाई टेक्निक है, प्रोटोटाइपिंग है। देखिए इंटरव्यूज़ इसमें हम क्वेश्चनार्स प्रिपेयर करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, हमारे पास में बहुत सारे गेम्स होते हैं, डेल्फाई टेक्निक है जिसमें आपको ये बताया गया है किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, प्रोटोटाइपिंग किस तरीके से की जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अगर मैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, दिस एक्टिविटी इज़ यूज टू प्रोड्यूस फॉर्मल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मॉडल्स। देखिए जो भी हम सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करेंगे उसका एक फॉर्मल मॉडल प्रोड्यूस किया जाता है। रिक्वायरमेंट हमारे पास में कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारे पास में कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन सब को रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया जाता है। आपको बताया गया था कि SRS प्रिपेयर होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें कि सारी के सारी ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की जाती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स को भी स्पेसिफाई किया जाता है। स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और कंस्ट्रेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं, बाउंडेशंस को स्पेसिफाई करते हैं। इसमें हमारे पास में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। अगर हम मॉडल्स की बात करें तो इस स्टेज में हमारे पास में ER डायग्राम्स होते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स होते हैं। इनका बेसिकली यूज़ होता है जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे C++ है, जावा है, इनका यूज़ करके कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास में डेटा फ्लो डायग्राम्स होते हैं, किस तरीके से डेटा आपका एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में फ्लो कर रहा है इनको डिपिक्ट किया जाता है। हमारे पास में फंक्शनल डिकम्पोजिशन होता है, FDD डायग्राम्स होते हैं, मींस फंक्शंस को किसी भी मॉड्यूल्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, उनकी फंक्शनिंग को कितने स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, कितने इंस्ट्रक्शंस आपने यूज़ किए हैं, कितने वेरिएबल्स आपने यूज़ किए हैं, क्या डिपेंडेंसीज हैं, ये फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, कितने पैरामीटर्स की इसको रिक्वायरमेंट है, ये किस तरीके की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ये सारी बातें फंक्शनल डिकम्पोजिशन डायग्राम्स में मेंशन होती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में डेटा डिक्शनरी होती है जिसमें कि टेबल्स बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन होता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। देखिए वेरिफिकेशन हमें ये बताता है कि जो भी हम टास्क कर रहे हैं वो करेक्टली इम्प्लीमेंट हो रहा है किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए या नहीं। मींस वी कैन से दैट इट रिफर्स टू द सेट ऑफ टास्क दैट एंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर करेक्टली इम्प्लीमेंट ए स्पेसिफिक फंक्शन। मींस यहाँ पे जो फंक्शन है जिसको कि इम्प्लीमेंट किया गया है किसी सॉफ्टवेयर में किसी पर्टिकुलर टास्क को दिखाने के लिए, वो करेक्टली इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, डेट इज़ वेरिफिकेशन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज वैलिडेशन। अगर हम वैलिडेशन की बात करें, इट रिफर्स टू ए डिफरेंट सेट ऑफ टास्क डेट एंश्योर डेट द सॉफ्टवेयर डेट हैज़ बीन बिल्ड इज ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। वैलिडेशन आपको ये बताता है कि हमारे पास में जितने भी टास्क हम जिस सॉफ्टवेयर में परफॉर्म कर रहे हैं, जितने भी फंक्शंस आपने इसमें यूज़ किए हैं, ये सॉफ्टवेयर जो क्रिएट हुआ है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, डैट इज़ वैलिडेशन। वेरिफिकेशन एंश्योर करता है कि फंक्शन को करेक्टली इम्प्लीमेंट किया गया है। वैलिडेशन आपको ये बताता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को यहाँ पे फुलफिल किया गया है या नहीं। देखिए आपने देखा होगा जब भी आप जीमेल पे लॉगिन करते हैं, सपोज आपने यूज़र नेम या पासवर्ड आपने गलत दिया, तो डेट इज़ नोन एज वैलिडेशन। यहाँ पे आपने वैलिडेशंस लगा दिए हैं, करेक्ट यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, तभी हम जीमेल के एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद में वेरिफिकेशन, देखिए आप पर्टिकुलर
सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इनसाइड जाके वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो रहा है, जैसे आपको कंपोज मेल करना है, तो डेट इज वेरिफिकेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन वैलिडेशन की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी विद ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स। मीन्स ऐसी कोई सी भी दो रिक्वायरमेंट एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी। मीन्स जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आप वहाँ पे डिफाइन करेंगे वो यूनिक होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्शन वहाँ पे ना हो। स्टूडेंट्स, द रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट इन एवरी सेंस। रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। जैसा कि आपको बताया गया कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं। मींस डिफाइनिंग होने के बाद में डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, देन मेंटेनेबिलिटी आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिक्वायरमेंट मस्ट बी कंप्लीट इन ए सेंस। नाउ नेक्स्ट, द रिक्वायरमेंट शुड बी प्रैक्टिकली अचीवेबल। मींस कस्टमर जो भी रिक्वायरमेंट आपको दे रहा है वो फुलफिल होनी चाहिए। मींस आप उस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने में सक्षम हो। यूज़र ने कस्टमर ने आपसे कहा कि मेरे पास में ये मैं एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ और बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप स्कैनर लगा दीजिए, ये पॉसिबल है या नहीं है, इसको हम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो बिलिंग सॉफ्टवेयर बनेगा उसका बेसिक पर्पस होता है बिलिंग करना। यहाँ पर हमें कोई वेरिफिकेशन नहीं करना है कि कस्टमर जो है वेरीफिएबल है या नहीं है, तो ये सारी बातें यहाँ पे देखी जाती हैं। द रिक्वायरमेंट शुड बी प्रैक्टिकली अचीवेबल। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में रिव्यूज़ होते हैं, बड़ी चेक्स होते हैं, टेस्ट केसेस होती हैं, ये सारे के सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप रिक्वायरमेंट को वेरिफिकेशन करते हैं और वैलिडेशन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट आता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, प्रायोरिटाइजिंग करते हैं और एग्रिंग होते हैं उन रिक्वायरमेंट्स में। यहाँ पे कंट्रोलिंग भी होती है, कम्युनिकेशन भी होता है रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, आई होप डेट यू विल अंडरस्टैंड, यू हैव अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।